हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली फॉर यू चैनल। मैं हूं भारत पटेल, आपका टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वीएलसी मीडिया प्लेयर से आप अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये जो नीचे रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरे जितने भी ट्यूटोरियल है, जैसा कि आप जानते हो कि मैं डेली के 2 ट्यूटोरियल अपलोड करता हूँ एंड सारे के सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए एंड इन्फॉर्मेटिव होंगे, तो आप लोग जो हैं इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में कई सारे स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डर्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसमें से कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूं कि सपोज अगर आपके पास कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। दोस्तों, वीएलसी मीडिया प्लेयर से भी आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो नॉर्मली मूवीज देखने के काम आता है, ठीक है। तो दूसरे सब वीडियोस रिकॉर्डर के बारे में मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे उसे यूज़ करते हैं, बट आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वीएलसी मीडिया प्लेयर का किस तरह से जो है यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर मीडिया, मीडिया पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, ओपन कैप्चर डिवाइस, ठीक है, ओपन कैप्चर डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चर मोड है वहां पर आपको डायरेक्ट शो के प्लेस पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है फ्रेम रेट, यहाँ पर आप 10 से लेकर 30 तक की फ्रेम रेट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 कर रहा हूँ। उसके बाद में ये जो प्ले वाला ऑप्शन है ये आपको नहीं सिलेक्ट करना है, उसके साइड में जो एरो है वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कन्वर्ट में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप श्योर कर लीजिए कि आपका जो वीडियो फॉर्मेट है वो ये हो, ठीक है। डेस्टिनेशन फाइल, मतलब कि आप ये अपना वीडियो कहाँ सेव करना चाहते हैं। ब्राउज में जाइए और कोई भी लोकेशन सेट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो सिलेक्ट करके जो है इसमें अपनी रिकॉर्डिंग सेव करूँगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ 01 रैक 01, मतलब रिकॉर्डिंग 01, ठीक है। सेव, स्टार्ट, सबसे पहले इसे मिनिमाइज कर दीजिए। अब मैं ये स्क्रीन पर कुछ भी करूँगा ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। तो चलिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो ये मैं टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर रहा हूं, देखते हैं ये रिकॉर्ड होता है या नहीं। ओके, चलिए अब रिकॉर्डिंग को आपको स्टॉप करना है। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन कीजिए और यहां पर ये जो नीचे है स्टॉप का जो आइकन है, स्टॉप प्लेबैक, स्टॉप प्लेबैक पर क्लिक कीजिए और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो वीडियोस में सेव हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब उसे प्ले करते हैं। ये रहा रिकॉर्डिंग 01। मैंने जो एक्टिविटीज की थी वो आपको यहां पर दिखाई देगी। पहले रिफ्रेश किया था, उसके बाद नीचे रन में जाके मैंने टेम्पररी फाइल्स ओपन की थी और उसे डिलीट किया था। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट एनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोग्राम, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस की सीरीज़ लाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।